नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जूट उद्योग के बारे में। दरअसल मैंने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत उद्योगों की श्रृंखला शुरू किया था, जिसके अंतर्गत मैं एक सभी उद्योगों के बारे में चर्चा करूंगा। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो आज का वीडियो है वो है जूट उद्योग के बारे में। आज हम देखेंगे जूट उद्योग की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, इस उद्योग के क्या वर्तमान में क्या नुकसान है, या कहें कि वर्तमान में इस उद्योग के सामने क्या कौन सी समस्याएँ आ रही हैं, इन समस्याओं के निदान के लिए क्या करना चाहिए। और मैं बता दूं, पीछे बना हुआ भारत का मैप, इस भारत के मैप में मैंने कुछ प्रमुख जूट उद्योग केंद्रों के बारे में मैंने बताया है। तो आइए शुरू करते हैं, शुरुआत करेंगे कुछ फैक्ट से, फैक्ट के बाद हम देखेंगे कुछ समस्याओं के बारे में, समस्याओं के बाद मैंने उनको मैप में बताऊँगा। दरअसल भारत में अगर हम देखेंगे पहले ज़माने में, हम अगर देखें तो यह भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम में भारत में कई ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। उस टाइम पे यहाँ क्या किया जाता था, जूट का उत्पादन किया जाता था। उस जूट के उत्पादन को ले जा करके स्कॉटलैंड में क्या किया जाता था, कपड़े में या कहें जूट के सामान बना करके भारत में बेच दिया जाया करता था। तो उस टाइम पे हम कहें ब्रिटिश काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोतों में से एक जूट भी हुआ करता था, जो यहाँ से कच्चे माल के रूप में जाता था और वहाँ से बन करके यहाँ से फिर वापस भेज दिया जाता था। किंतु धीरे जैसे जब भारत आज़ाद हो जाता है, तो आज़ादी के बाद में अगर जो हम देखते हैं तो वैसे तो ये पूरा जो क्षेत्र था बंगाल का क्षेत्र, ये पूरा मुख्य केंद्र हुआ करता था। ये पूरा क्षेत्र मतलब कि आधुनिक बांग्लादेश और वर्तमान में पश्चिम बंगाल दोनों को मिला करके बंगाल था। तो वहाँ पे क्या थी, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ जो थी उसी क्षेत्र में थी, या कहें कि पूरा क्षेत्र वही हुआ करता था जो जूट के लिए जाना जाता था। दरअसल उसके लिए थोड़ी सी नम जलवायु भी चाहिए, और इस क्षेत्र में क्या कहेंगे आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र थोड़ा बना हुआ रहता है इससे यहाँ पर। और दूसरी चीज़ हम एक प्रकार से ये भी बता दें कि इसका कारण दो थे। एक तो दरअसल एक था, एक जगह पर फैक्ट्री स्थापित की गई और दूसरी जगह पर क्या था, दूसरी जगह पर उत्पादन किया जाता था। वर्तमान में हम देखेंगे तो जूट उत्पादन को लेकर के तो कुछ कंडीशन कुछ ऐसी थी कि भारत में उत्पादन तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन फैक्ट्रियों के क्षेत्र भारत में बहुत ज़्यादा थे। मतलब एक प्रकार से भारत आज़ाद हो जाता, जो पूर्वी पाकिस्तान था मतलब आधुनिक बांग्लादेश जो था, यहाँ पर जो थे मतलब कि जहाँ जूट उत्पादन के जो केंद्र थे वो तो सब बांग्लादेश में चले गए थे, जूट उत्पादन के केंद्र बांग्लादेश में चले गए, लेकिन जो फैक्ट्रियाँ थी वो पश्चिम बंगाल में आ गई। तो सीधी बात है, सिर्फ फैक्ट्री लेकर के आप करेंगे क्या जब तक जूट का उत्पादन ही ना हो? तो क्या हुआ, भारत ने फिर धीरे धीरे क्या क्या उत्पादन अपना बढ़ाया और लोगों को प्रोत्साहन दिया, जूट के फायदे वगैरह बताए गए, इससे क्या हुआ लोगों में उत्साह बढ़ा और इससे क्या हुआ जूट के उत्पादन में फिर वृद्धि होना शुरू हुई। उससे क्या हुआ, अब वर्तमान में भी हम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। उसके बाद में आंध्र प्रदेश का भी नंबर आता है। दरअसल पूरा तटीय क्षेत्र जो है ये पूरा है, क्योंकि इसको नमी तो चाहिए, नमी के साथ साथ नदी का पानी भी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें अगर जब देखेंगे तो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मुहैया हो सकती हैं ये वाला क्षेत्र जो है, क्योंकि पूर्वी तटीय पश्चिमी तट में देखें, पश्चिमी घाट में देखेंगे तो नदियों का क्या है, अभाव है। अभी अभाव को मतलब नदियाँ काफ़ी ऊंचाई से गिरती हैं और इसलिए वजह से क्या है, वहाँ पर जूट की खेती नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत में नहीं होती, उत्तर भारत में देखेंगे तो यूपी में हो, चाहे आप ले लीजिए बिहार के क्षेत्र में भी, यहाँ पर भी जूट का उत्पादन वगैरह किया जाता है। तो ये तो हो गई बात है जूट को लेकर के, आइए देखते हैं जूट की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी। दरअसल मैंने अभी बताया कि जूट का जो पहला मतलब कि यहाँ से भारत से क्या किया जाता था, जूट को लेकर के जाया था स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में अभी भी आप देखेंगे जूट को लेकर के स्कॉटलैंड बहुत फेमस जगह है। जैसे आप डुंडी सुनते हैं, डुंडी स्कॉटलैंड का फेमस जूट उद्योग का केंद्र अभी भी है, वहाँ पर भी जूट का उत्पादन अभी भी किया जाता है, या कहीं जूट का उत्पादन अभी भी वहाँ पर होता है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे भारत में जूट का प्रथम कारखाना जो था वो स्कॉटलैंड के निवासी हैं जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा, स्कॉटलैंड के निवासी जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा पहला जूट का कारखाना पश्चिम बंगाल में रिसंसा में स्थापित किया गया। रिसंसा ये कलकत्ता के पास में पड़ता है, रिसंसा। तो पहला जूट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, रिसंसा में स्थापित किया गया। तो इसको याद रखिएगा, रिसंसा में। अब बात आती है सर्वाधिक जूट की मिलें, सर्वाधिक जूट की मिलों की हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है, और सर्वाधिक जूट की मिलें पश्चिम बंगाल में, उत्पादन में भी पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल ही है, और दूसरे नंबर पे नाम आता है आंध्र प्रदेश का। तो पहले नंबर पे तो पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, डब्ल्यू बी मतलब वेस्ट बंगाल है। इसको आप जो भी चीज़ें लिखी हुई उनको नोट कर लीजिए मैप में। फिर उत्पादन की हम अगर जो वैश्विक स्तर से बात करते हैं, उत्पादन को लेकर के वैश्विक स्तर पर अगर जो हम बात करेंगे तो उसमें कौन है, भारत उत्पादन में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर फिर चीन है। लेकिन दरअसल भारत जितना उत्पादन करता है उतना उपभोग की भी कर लेता है, इसलिए निर्यात के लिए चीज़ें उपस्थित नहीं हो पाती हैं। लेकिन बांग्लादेश जैसे मैंने बताया पहले केंद्र हुआ करता था, तो अभी भी ये खैर वहाँ पे बांग्लादेश में ढाका ले लीजिए, नारायणगंज जैसे क्षेत्र ले लीजिए, आज भी जूट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं।
तो उसी तरीके से निर्यातक को ले लें तो बांग्लादेश और भारत, निर्यातक में पहले तो बांग्लादेश है, दूसरा भारत है, लेकिन उत्पादन में पहले नंबर पर ही भारत है, तो याद रखिएगा। फिर जूट को उद्योग के विकास के लिए, क्योंकि दरअसल बाद में जैसे जैसे क्या हुआ, जूट की अन्य उद्योगों से क्या हुई, प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई। प्रतिस्पर्धा का सेंस में क्या हुआ कि आर्टिफिशियल चीज़ें बनना शुरू हुई, प्लास्टिक वगैरह क्या हुआ बनना शुरू हुई, तो बोरे वगैरह जो होते थे, टाट की बोरी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये क्या हुई, उसका यूज जो था वो कम हो गया, उसकी जगह जो ले लिया वो प्लास्टिक की बोरी ने ले लिया, या इससे क्या हुआ जूट उद्योग को क्या हुआ, एक धक्का लगा। इसलिए सरकार ने क्या किया, उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ योजनाएँ भी चलाई। उन योजनाओं में थी भारतीय जूट टेक्सटाइल सलाहकार परिषद का निर्माण किया गया। जूट टेक्सटाइल सलाहकार परिषद का निर्माण कब किया गया, 1969 में किया गया, याद रखिएगा। फिर भारतीय जूट निगम, भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई, 1971 में की गई, 1971 में, याद रखिएगा भारतीय जूट निगम। फिर अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की अगर जो हम बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ढाका में स्थित है, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ढाका में स्थित है, तो याद रखिएगा। फिर अब हम देखेंगे वर्तमान में जूट उद्योग की समस्याएं कौन कौन सी आ रही हैं, जूट उद्योग की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो हम पहला देखेंगे वैकल्पिक, जैसे लिखा हुआ है वैकल्पिक वस्तुओं का प्रयोग, वैकल्पिक वस्तुओं का प्रयोग सेंस में वैकल्पिक, कौन सी वैकल्पिक वस्तुएं। दरअसल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ता गया, नए नए आविष्कार होते चले गए, तो उसमें क्या हुआ, एक वैकल्पिक चीज़ों का आविष्कार कर लिया जाता है। मतलब कि जूट जो था काफ़ी महंगा पड़ रहा था, उसको लेकर के क्या किया गया, प्लास्टिक की चीज़ें वगैरह बनाना शुरू हुई, हैंडबैग वगैरह जो भी थे, या कहें कि इसमें आप खाद जो खेतों में छिड़कने वाली खाद होती है उसके लिए टाट की बोरी की जगह पे क्या किया गया, वहाँ पर इस्तेमाल करने जाने लगा प्लास्टिक की बोरी का। वर्तमान में आप देखते हैं यूरिया वगैरह जो भी होती हैं वो सब किस में आती हैं, प्लास्टिक की बोरी में ही आती हैं। तो क्या हुआ, उसका स्थान ले लिया किसने, प्लास्टिक की बोरी ने। इसलिए क्या हुआ कि वैकल्पिक वस्तुओं का प्रयोग होने लगा, इसलिए जूट की मांग क्या हुई, धीरे धीरे कम होती चली गई। तो ये एक वर्तमान में समस्या ही है। फिर दूसरा है पुरानी मशीनें एवं उच्च लागत। दरअसल मशीनें जो थी जूट उद्योग को लेकर के हम देखें तो दरअसल जब लागत, मतलब जब आर्थिक रूप से पैसे की कमी होगी तो मशीनें क्या होंगी, उनका सीधी बात है नई मशीनें तो आप ला नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास पूंजी का अभाव है। पुरानी मशीनें का प्रयोग किया जाने लगा, मतलब पुरानी मशीनों का नवीनीकरण नहीं हो पाया। पुरानी मशीनों के प्रयोग से जो माल जो बन रहा था या कहें जो उत्पादन था वो निम्न कोटि का था, क्योंकि वर्तमान में मतलब कि जैसे जैसे विकास के दर में हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाती है। पहले कीपैड वाला फ़ोन आया, फिर टच स्क्रीन आया, अब तो अजीब अजीब से फ़ोन आ रहे हैं। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि अगर जो वर्तमान में अगर जो हम देखेंगे तो टच पैड वाला फ़ोन बहुत कम लोग पसंद करते हैं। उसी तरीके से क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे विकास बढ़ता गया, लेकिन मशीनें जो थी उनको, जो मशीनें थी उन्होंने अपने आप में परिवर्तन नहीं लाया। इसलिए क्या हुआ, मशीनों पुरानी किस्म की थी, पुरानी मशीनें क्या करेंगी, पुराने टाट के बोरे वगैरह जो भी बनाए जाते थे वो पुराने बनाते जाने लगे, और पुराने बनाने की वजह से क्या हुआ, मार्केट वैल्यू उनकी क्या हुई, घटने लग गई, और वो क्या होगा, उद्योग धंधा क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होता चला गया। तो पुरानी मशीनें से क्या हुआ, लागत भी ऊँचाई, क्योंकि जब आप कोई भी इंडस्ट्री बना रहे हैं या कोई भी उद्योग लगा रहे हैं तो आपके पास श्रम की बहुत आवश्यकता होती है। जब श्रम नहीं रहेगा आपके पास तो कैसे करेंगे। तो जब आप मजदूरों को, मतलब आपकी लागत नहीं आ रही, जब लागत नहीं आएगी तो आपको श्रम भी आपको महंगा पड़ेगा, जब श्रम महंगा पड़ेगा तो सीधी बात है कि पूरा पूरा सब कुछ महंगा होने लगेगा। तो ये भी एक समस्या थी लागत ऊँच होने का। फिर बाजार का अभाव, दरअसल बाजार में क्या था उस टाइम में, प्लास्टिक की बोरी वगैरह आ गई थी। अभी जो प्लास्टिक की बोरी 10 रुपये में मिल रही है और एक जो जूट का बोरा है वो 20 रुपये में है, तो कोई प्लास्टिक की बोरी ले लेगा, टिकाऊ भी ज़्यादा रहेगी। तो जूट की मांग क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगी, और जूट का जो दायरा था या कहें कि जो जूट का क्षेत्र था वो धीरे धीरे क्या हो गया, संकुचित होने लग गया। तो इससे क्या हुआ, एक बाजार जो था जूट का, जो बना बनाया बाजार था वो क्या हो गया, कम होने लगा। तो बाजार का एक अभाव हो गया और उत्पादन में गिरावट हो गई। सीधी बात है, जब आप मांग नहीं है, मांग नहीं तो उत्पादन करके आप करेंगे क्या, उत्पादन कर भी देंगे तो उसकी आप जब खपत नहीं कर पाएंगे तो उत्पादन बेकार है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मांग जब कम होने लगी तो उत्पादन में गिरावट दर्ज होने लगी। लेकिन वर्तमान में सरकार ने कुछ कार्य किए हैं जिससे क्या होगा, जूट उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और सरकार कुछ हद तक दे भी रही है। कई ऐसे क्षेत्र आज भी हैं जहाँ पर आप लेंगे जहाँ पर जूट का ही प्रयोग किया जाता है और वहाँ पे प्लास्टिक की बोरी का नहीं किया जा सकता। जैसे आप कोई प्रिजर्व वगैरह, जैसे आलू की बोरी जब रखी जाती है स्टोर वगैरह में, तो उसमें हमेशा टाट की बोरी का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, हवा जो होती है आती जाती रहती है। प्लास्टिक की बोरी में जो होती है हवा का आना जाना बंद हो जाता है, इससे आलू वगैरह जो कोई भी ऐसी जो सब्जी वगैरह जो भी प्रिजर्व करके रखते हैं वो क्या होगी, बेकार हो जाती है। इसलिए उसको क्या, टाट की बोरी में ही रखा जाता है। तो खैर ये तो हो गई बातें जो भी जूट को लेकर के जो भी समस्याएं थी। आइए देखते हैं जूट के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं।
बना हुआ है भारत का मैप, मैं बता दूं ये यूपी है, यूके बाद यहाँ पे देखेंगे तो बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है, ये आंध्र प्रदेश है। ऐसा नहीं कि इन्हीं क्षेत्रों में उत्पादन होता है, उड़ीसा के क्षेत्र में लेंगे, आसाम के क्षेत्र में भी उत्पादन में देखने को मिलता है, लेकिन प्रमुख क्षेत्रों की हम बात करेंगे परीक्षाओं की दृष्टि जो इम्पॉर्टेंट है, तो यूपी में हम देखेंगे तो दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक है कानपुर, दूसरा है गोरखपुर। कानपुर गोरखपुर, और गोरखपुर का सहजनवा जानते होंगे, यहाँ पे काफ़ी फेमस है, जूट का केंद्र है गोरखपुर, सहजनवा, सहजनवा मिल यहाँ के काफ़ी फेमस है। फिर हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जैसे कटिहार है, समस्तीपुर और दरभंगा, कटिहार समस्तीपुर और दरभंगा तीनों बिहार में पड़ते हैं और ये जूट उद्योग के लिए काफ़ी फेमस हैं। फिर हम बात करेंगे, ये आप देख रहे हैं पूरा पश्चिम बंगाल बना हुआ है, पश्चिम बंगाल को लेकर के मैंने यहाँ पे बता दिया है कौन कौन से क्षेत्र हैं। दरअसल इस उद्योग के लिए आपको दरअसल नदी के पानी या कहें कि पानी की भी खास आवश्यकता होती है, इसीलिए जूट उद्योग हुगली नदी के दोनों किनारों पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, पट्टी के तौर पर आपको देखने को मिलेगा एक जूट उद्योग के केंद्र, क्योंकि पानी की ज़रूरत है, हुगली नदी से पानी की पूर्ति बहुत जल्दी की जा सकती है। तो इसमें देखेंगे तो कौन कौन से, टीटागढ़ है, अगरपाड़ा है, नैहाटी है, रिसंसा है, श्याम नगर है, भद्रेश्वर है, इतने पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। फिर एक रायगढ़ है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ का, ये भी याद रखेगा, रायगढ़ छत्तीसगढ़। फिर हम आंध्र प्रदेश में देखेंगे काकीनाड़ा, काकीनाड़ा भी जूट उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन काकीनाड़ा बायोडीजल के लिए भी जाना जाता है, कई सारी चीज़ें काकीनाड़ा में, जैसे जैसे हम उद्योग में आगे बढ़ाएंगे तो काकीनाड़ा के बारे में विशेषता जो भी होगी हम बताते चलेंगे। तो काकीनाड़ा जूट उद्योग के लिए भी जाना जाता है, एलोरू भी जूट उद्योग के लिए जाना जाता है, चितवन शाह भी जूट उद्योग के लिए जाना जाता है, चितवल शाह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। जूट को मैं बता दूं क्या बोलते हैं, सोने के रेशे के नाम से जूट को जाना जाता है। तो फिलहाल आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट वगैरह किया कीजिए, और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट किया कीजिए। एक बात और भी याद रखिएगा कि आप जो भी लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आती है उसको आप दबा दिया कीजिए, क्योंकि आप अधिकतर लोग कमेंट करते हैं कि नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता, अगर जो हमने सब्सक्राइब कर भी रखा है, बेल आइकन भी दबा रखा है, तो एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को चूज़ कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल में पड़ेगा आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।